गाइस एंड अभी हम हैं सिसु में, जहाँ पे हो रहा है -2 डिग्री टेम्परेचर। जस्ट अभी उठे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और हम यहाँ से आज जाएंगे जाना वाटरफॉल, जो कि मनाली से थोड़ा सा आगे है। एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिशेस वगैरह मिलती है खाने के लिए। गाइस जस्ट अभी हमने ब्रश वगैरह कर लिया सबने और अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और यहाँ से आपको एक बड़ी व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है बाहर का व्यू और यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। किस चीज़ की फार्मिंग हो रही है गोभी, गाइस? फूल फूल गोभी की, फूल गोभी की हो रही है गाइस। ये यहाँ पे आओ, फूल गोभी खाओ और फूल बन जाओ। और गाइस वहाँ पे ना बैलून है, हॉट एयर बैलून। अभी हम हम जाएंगे, जाएंगे वहाँ पे, पूछेंगे अगर ये मतलब चल रहा होगा तो फिर हम बैठ जाएंगे इसमें और फिर व्लॉग में दिखाएंगे। एंड वहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलीपैड, वहाँ पे एक भी हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया, सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी है ये वहाँ पे। नहीं मैंने पूछा है, ये चीज़ बता रहे हैं कोई लद्दाख में इमरजेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है तो अच्छा, यहाँ से वो जाता है, उन्हें पिक करके फिर वो यहाँ लेके आता है और ओके गाड़ी उड़ी की टोल करके आती है। लद्दाख में ओके जितनी मनाली से बाइक नहीं जाती हैं, मनाली के उसमें लद्दाख में ना सबको मारा है, और जितने भी बंदे यहाँ से ले गए सबको मारा है, जो रात में से ट्रक जब इधर गए नहीं थे हो जब इधर नहीं। जो धरने पे ये देखो गाइस, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। एंड आपको वहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा हेलीपैड और ये रहा हॉट एयर बैलून, जो किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं है। मुझा गया है, मुझे लगता नहीं है हमें राइड देंगे आज। ये ठन ठन गोपाल, ठन ठन भोपाल, प्लस ठंड बहुत है यहाँ, 4 डिग्री है अभी। कितना डिग्री? गाइस कैसा रहा आपका यहाँ पे दिन? बढ़िया, अच्छा व्यू है। रात को यहाँ पे स्नोफॉल बोली थी, हमारा बहुत पागल बनाया गया, लेकिन स्नोफॉल हुई नहीं। मैं यहाँ उसके पे चक्कर में ऐसे मैं 4 बजे तक उठा रहा था, स्नोफॉल होएगी होएगी, हुई नहीं, लेकिन वहाँ ऊपर की साइड स्नोफॉल हुई, दिखाओ। तो ये देखो, रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी बट उस टाइम मैं सो रहा था। ब्रेकफास्ट हम खुद बना रहे हैं यहाँ पे, रूम की आपको हालत में दिखा नहीं सकता क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रहा है। एंड यहाँ पे भाई ब्रेकफास्ट करते हुए, मेड बाय मी। ये देखो तवा, एंड इसके ऊपर हम अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। भाई प्याज टमाटर काटते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, एंड ये प्याज टमाटर से हमारा बनेगा पोहा एंड ओट्स। क्या हो गई तेरे रूम की हालत देख मेरे भगवान। मोहित मोहित मोहित, मोहित देख भाई, मोहित यहाँ पे वो भैया हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। जा रहे हैं जाना वाटरफॉल, एंड ये पीछे हमारा होटल था, एंड यहाँ से हम जा रहे हैं जाना वाटरफॉल। तो बस बैठ रहे हैं, अब वेदर ठीक है, ठंडा है। मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। लगे ना 2 से 3 बार यूटर्न ले लिया है, और हमारे जो दो दोस्त हैं फोटोज क्लिक करवाए जा रहे हैं, वो मन नहीं भर रहा उनका। और क्या बोले उनको हम, पुलिस वाले ने हमें 2-3 बार नोटिस कर लिया है, इस बारी तो बंद करेगा हमें सीधा वो। अभी दिखाता हूँ आपको कौन है वो दो लोग, ये रे, ये दोनों ये फोटोग्राफर बन रहे हैं यहाँ पे। अरे आ जाओ यार, आ जा भाई, आ जा। क्या भाई पेट भर गया फोटो खिंचवा के? लाहौल स्पीति पुलिस वेलकम्स यू।
इस आदमी को देखो भाई, देखो बाइक बहुत अच्छी लग रही है, 22 इंच होगा गाड़ी से बड़ी, तो टायर। हमारे चंदोक भाई को खाने थे छोले कुलचे और यहाँ पे रुके हुए हम छोले कुलचे खाने के लिए। वो वाला नहीं चलता जैसे आप दिल्ली वाले खाएंगे छोले कुलचे। हम निकल गए हैं थोड़ा सा आगे मोमोज के लिए, क्योंकि वी लव मोमोज, आई लव मोमोज। तो आगे एक शॉप देखिए, वहाँ पे मोमोज खाएंगे। वाली शॉप पे मिल जाए हमें मोमोज, पूछ के देखते हैं। अंकल मोमोज मिल जाएंगे? मोमोज हैं? मोमोज यार, मोमोज तो नहीं मिले, आगे कहीं देखना पड़ेगा। हम रुके हुए हैं मनाली पर्च करके, एक यहाँ पे वैन है और वहाँ पे हमारी कार लगी हुई है। मेरा दोस्त का नाम है अशोक और अशोक के नाम से ही ये है फूड वैन। तो अशोक भाई देख लो आपकी फूड वैन और आपके चर्चे कहाँ कहाँ तक है। और हमने लिए यहाँ पे वेज बर्गर एंड वेज मोमो। ओ R15 से आए हैं भाई, मेरे को अपनी याद आ गई जब मैं लास्ट टाइम आया था बाइक से। बहुत अच्छा स्पॉट है चिलिंग के लिए, अशोकाज। सो गाइस ये दो लोग आए हैं पौंडीचेरी से, इनकी बाइक से R15 से आए हैं और एक हिमालय ने आगे, ये आए हैं पौंडीचेरी से, अभी जस्ट हमने इनसे बात की है। तो गाइस यही मज़ा है, इतनी दूर से आए हैं तमिलनाडु से, यही मज़ा है भाई, पहाड़ों पे लोग इसलिए ही आते हैं। सो मोमोज आ गए, बर्गर कर दिए चार, चार बर्गर, वेज बर्गर है हमारे। तो गाइस मोमोज आ गए हमारे पास, आ वहीं ले चलते ना। एक प्लेट से पेट नहीं भरा, एक और प्लेट लेने आए मोमो की, और हमने लिया वेज बर्गर। हाँ जी, लो जी, थैंक यू भैया, ये कोक प्लेट ले ले कोक। अगर आ गया है आफ्टर 20-25 मिनट, एक हाफ पीस करो। अरे करवा दी भैया, मेरे को मोमो वाली सॉस दे देना थोड़ी डाल के, तो ये खा ले वो मेरे को दे दे। मोमो वाली सॉस मेयोनीज भी डलवा ले थोड़ी, मोमो वाली सॉस डाल दे। थैंक यू भैया, चलो मैं एंजॉय करता हूँ बर्गर। हम जा रहे हैं जाना वाटरफॉल और इस टाइप का कुछ रास्ता है यहाँ पे, बहुत पतली सी रोड है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, आगे से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस पतली सी रोड है लेकिन रोड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी जगह है ये, मतलब ये सारे लंबे लंबे पेड़ देख रहे हो आप, ये सारे देवदार के पेड़ हैं लंबे लंबे, ये जितना ऊपर तक होते हैं ना उतना ही नीचे तक होते हैं अंदर तक। गाड़ी जाना वाटरफॉल ऑलमोस्ट आ गए हम, यहाँ से है, यहाँ पे आगे जाके कहीं देखेंगे पार्किंग। एंड यहाँ पे आपने देखा होगा एक मांगेराम जी का होटल है, वहाँ पे भी हम खाना खाएंगे। यहाँ पे लगा दो मनी राम सॉरी, वाटरफॉल के लिए आया ना, आगे गाड़ी नहीं लगेगी, चल ना तू यार, तेरी भागना यार। ये नीचे सारा वाटरफॉल है एंड यहाँ पे खाना वगैरह खाने का है मनी राम पीछे। ले आ, आराम से बस राइट ले, अंदर दबा दे थोड़ी सी, अंदर दबा दे, लेफ्ट लेके थोड़ा सा रुक जा, हाँ हल्के से लेफ्ट ले, ले आ, है जगह, ले आ, ज़्यादा बाहर तो नहीं है भाई। सो गाइस दिस इज जाना वाटरफॉल एंड हम जाना वाटरफॉल आ गए हैं। यहाँ पे हमने वीडियोस काफ़ी देखी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भाई मनी राम जी का ढाबा बहुत अच्छा है, तो वहीं पे जाके खाएंगे वाटरफॉल के जस्ट बिल्कुल साथ में,
डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे खाएंगे। पैदल पैदल रास्ता है थोड़ा सा आगे तक का, पीछे हमने गाड़ी लगा दिया है। बहुत बढ़िया जगह है, तो यहाँ पे जरूर आना आप लोग भी कभी। आंटी जी स्वेटर बुन रहे हो? स्वेटर बुन रहे हो ये? अच्छा अच्छा आंटी, टोपी तो लगी हुई है मेरी जैकेट में, मेरी जैकेट में लगी हुई है मेरी जैकेट में लगी हुई है आंटी। ठीक है, सही बताया था आपने, ये बेकार बंदा ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, अभी तो घूमने आए हैं, बता देंगे आपको। ये है जाना वाटरफॉल गाइस, अभी तक सारे सो रहे थे, एकदम से सारे उठ गए 2 मिनट के अंदर। गाइस दिस इज द मेन वाटरफॉल, वहाँ पे अरे यार वहाँ कपड़े गीले हो जाएंगे। Shout out Big Bird. You know what time it is? I'm a- मनीराम जी तो है नहीं, लेकिन मनीराम जी के होटल पे जरूर आ गए हम। होटल दिखाता हूँ आपको अंदर से, आप विजिट करते तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। आपका होटल भी है ये, अब न्यू जनरेशन से मिल लो। कब से है भैया आपका होटल ये? 1998 से कॉन्टिन्यूस है। ओके, बहुत अच्छी जगह है ये। सर एक बारी साइड दोगे थोड़ा सा? जी सर, थैंक यू। अरे वाह, आप बनाएंगे रोटी? अरे वाह भाई, यहाँ पे सब्जी है, कड़ी और दाल, दाल ही है ना ये, और यहाँ पे बनती है रोटी नीचे, मक्की का रोटी। ये मक्की की रोटी है गाइस, ये जो है सब्जी का स्पेशल सब्जी रहता है, लिंगड़ी भी होती है, जंगल में मिलती है सब्जी, ये ऑर्गेनिक होती है, बस 2 महीने का सीजन होता है फिर ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छी है, सिंपल है सारा। और यहाँ का गाइस स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आप कभी जाना वाटरफॉल आए तो मनीराम होटल में जरूर आए। आपका खाना है, आप मैं बताता हूँ आपको पहले कैसे खाना आपने, ठीक है? हाँ जी, पहले आपने सिटू खाना है, यहाँ का ट्रेडिशनल डिश रहता है। सिटू को आपने ये घी में डिप करना, इसमें डिप करके जो है ये ग्रीन चटनी के साथ खाना है, बिच्छू बूटी का चटनी रहता है ये, ठीक है? सिटू को घी और चटनी के साथ, फिर जब सिटू खत्म करेंगे ना, ये शक्कर है, घी शक्कर का पेस्ट करके मक्की की रोटी के साथ खाना है आपने। टेस्ट करेंगे जब घी शक्कर को मक्की की रोटी के साथ खाना, और मक्की की रोटी को ये लोकल सब्जी होती है, लिंगड़ी, जंगल में जैसे जंगली मशरूम मिलता है वैसे ही जंगली लिंगड़ी मिलती है, ऑर्गेनिक सब्जी होती है, 2 महीने का सीजन रहता है इसका। फिर रेड राइस है, रेड राइस को अपने वो राजमा और कड़ी के साथ खाना है, ये यहाँ का लोकल पिकल रहता है, ये पूरा ट्रेडिशनल है हमारा, टेस्ट कीजिए फिर जो अच्छा लगेगा। हमने आपको 2 प्लेट बोली है, इसको डिप करना है पहले हमें घी में और ग्रीन वाली चटनी में, और फिर खाना है इसको, तो खा के बताओ कैसा है। अगर आप आते हो तो थाली मस्ट ट्राई करना, थाली बहुत अच्छी है इनकी, बहुत अच्छा खाना है, प्लस इनका ट्रेडिशनल डिश है तो बहुत मज़ा आ गया। बताओ गाइस कैसा खाना है इनका? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास खाना है, बहुत अच्छा, हम एंजॉय करते हैं इस खाने को, आप अपने घर पे कुछ ना कुछ एंजॉय करो। हमने 2 थाली और मंगाई है अभी, जो आपको जो खाली हो रहा है ले जाओ। हाँ जी, जो खाली खाओगे? नहीं, ये यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, हमें बोला था भैया ने कि कर लो, बट यार डर लग रहा है हमें तो। यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये देखो कुछ लगा रहे हैं, ये रस्सी वगैरह से टांग रहे हैं उसको, और यहाँ पे हमारी कार हो गई है रेडी, और अब हम जा रहे हैं अपने मनाली की तरफ। लेट्स गो गाइस।
हॉट एयर बैलून दिस इज हॉट एयर बैलून देखो कितना बड़ा है। रुके हैं यहाँ पे सिर्फ एक काम से क्योंकि हमें लेना है एक बैग जो पीछे वाली शॉप से ले रहा है हमारा फ्रेंड, तो हम अंदर आगे देखने के लिए। हमारा छोटा सा दोस्त मिल गया। ओए 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 हेलो हेलो। नहीं नहीं कपड़ों पे नहीं, कपड़ों पे नहीं, नहीं नहीं। आ रहे हैं घर क्योंकि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे चार दिन हुए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे पहले मंडी, मंडी से फिर देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ से देन हम दिल्ली। मिला मिला कुछ। घर जाते हुए हमें एक दिखी यहाँ पे शॉप जो कि शॉल्स की है और यहाँ पे प्रॉपर मनाली और कुल्लू की शॉल्स मिलती है बनी हुई, तो यहाँ पे हम आए देखने के लिए। अगर कोई पसंद आती है तो ले लेंगे। इस टाइप का कोई सूट यहाँ पे मिल जाते हैं और शॉल्स भी मिल जाएंगी। आते हुए हमने एक स्टॉप लिया है जो कि है मंडी में, एंड नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो तो सीधा घर होगा या फिर चंडीगढ़ होगा उससे पहले, या अगर हमें भूख लगती है तो भाई रोक लेंगे मुरथल में। तो ये है मंडी कमाल रोड, तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, एंड ये है घंटाघर उसका बीच का। गाइस हमारी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर।